राजस्थान कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सबसे जाबाज अवार्ड कैटेगरी की तरफ। इस अवार्ड का नाम है मेडल ऑफ वैल्योर सिंघम अवार्ड। शाने राजस्थान की सबसे ताकतवर कैटेगरी में शामिल है सिंघम अवार्ड। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये उस वर्दी को सम्मान है जिसने अपनी हिम्मत और ताकत से अपराधियों के हौसले पस्त कर दिए। इस अवार्ड के लिए चयनित हुए हैं हनुमानगढ़ में पुलिस उपाधीक्षक पद पर तैनात प्रशांत कौशिक। अवार्ड के लिए उन्हें आमंत्रित करें उससे पहले नजर डालते हैं उनके सेवा काल पर। प्रशांत कौशिक, पुलिस उपाधीक्षक। में उपनिरीक्षक पद पर चयनित प्रशांत कौशिक किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। तेज तर्रार पुलिस अधिकारी के तौर पर अपनी पहचान बना चुके डिप्टी एसपी प्रशांत कौशिक को उनकी सेवा के लिए कई बार सम्मानित किया जा चुका है। राजस्थान पुलिस में ज्वाइन करने के बाद में लंबा सर्विस टेन्योर था। 24 की सर्विस लेंथ के दौरान विभाग की तरफ से अनेक पुरस्कार, प्रशंसाएं, अवार्ड मिले। इस संबंध में जी टीवी ग्रुप का मैं आभारी हूँ कि उन्होंने हमारे काम की पहचान करी और इसके पश्चात पहचान करके जी टीवी अवार्ड के लिए सिलेक्ट करा, इसके लिए धन्यवाद। मूल रूप से बीकानेर संभाग के चूरू जिले के सुजानगढ़ निवासी प्रशांत कौशिक 1996 में उप निरीक्षक पद पर चयनित हुए और अपनी काबिलियत के बल पर डीएसपी पद पर पहुँच चुके हैं। पूरा जॉर्डन मर्डर केस और बहुत सारे इस तरह के केसेस आते थे। जब शुरुआत करते थे तो हमारे सामने कोई रास्ता नहीं होता था, कोई क्लू नहीं होता था, लेकिन हमारे प्रयास लगातार चालू रहते थे। कोई ना कोई छोटी छोटी बात मिलती थी, इसको डेवलप करते थे। सारे स्टाफ जो अधीनस्थ स्टाफ उसका देखा, उसका मार्गदर्शन देता था, अधीनस्थ स्टाफ का सहयोग देता था। डीएसपी प्रशांत कौशिक का काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है। इनकी खाकी के प्रति ईमानदारी की बानगी गजब ही है। श्री गंगानगर के जवाहर नगर थाने में निरीक्षक के पद पर काम करते हुए इन्होंने जॉर्डन उर्फ विनोद चौधरी हत्याकांड में 21 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। इतना ही नहीं, अभियुक्तों में अक्षय पहलवान और संपत नेहरा जैसे कई इनामी क्रिमिनल्स भी थे, लेकिन बिना किसी डर के न केवल इन अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजा बल्कि इनके साथ अपराध में शामिल दो पुलिस कर्मियों की मिली भगत साबित कर उन्हें राजकीय सेवा से बर्खास्त भी करवाया। साथ ही एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए 50 लाख रुपए से ज्यादा की संपत्ति भी सीज की थी। सभी के साथ में टीम बना के काम करते थे और हर छोटी छोटी चीज को डेवलप करते। बहुत सी बार ऐसी स्थिति आती थी कि हमें लगता था एकदम मंजिल के नजदीक है, लेकिन वो जो छोटी इन्फॉर्मेशन हम डेवलप करते थे वो फॉल्स निकल जाती थी। तो हौसला नहीं छोड़ते हुए लगातार हम आगे बढ़ते रहे और उस केस में जो अज्ञात व्यक्ति थे उन सभी को नामजद करके अब तक 21 एक्यूज का चालान किया जा चुका है। हाँ, प्रशांत कौशिक अभी वर्तमान में हनुमानगढ़ जिले में पुलिस उपाधीक्षक एसएससी सर के पद पर कार्यरत है। ये पूर्व में गंगानगर से पदोन्नति होकर इस पद पर कार्यक्रम किया था। गंगानगर पदस्थापन के दौरान उन्होंने जॉर्डन हत्याकांड केस के अनुसंधान में अच्छा कार्य किया था, जिस पर ऐसे स्तर पर इनको सम्मानित किया गया है। वहीं एससी/एसटी में निरीक्षक मोनिका विश्नोई का कहना है कि डीएसपी कौशिक के साथ काम करने पर जैसा सुना था उससे भी बेहतर पाया। अधिकारी के तौर पर हर बात और हर एंगल की बेहद बारीकी से जांच करना इनके काम का तरीका है जो सभी को प्रभावित करता है। इनका जो स्टाफ के साथ जो रवैया है उसका तो एकदम एक ऐसे फैमिलियर है, किसी की भी कोई समस्या हो तो बिल्कुल एक फैमिलियर के बड़े बड़े की तरह भूमिका निभाते हैं। रही बात केस के शॉर्ट आउट की, तो जो मैंने सबसे बड़ी चीज जो देखी है वो डिसीजन लेने की जो पावर है इनकी, वो प्लस हर चीज को हर एंगल से देखते हैं, किसी भी ये चीज नहीं छोड़ते कि ये चीज को काम की नहीं है। हर एंगल की बहुत बारीकी से ये छानबीन करते हैं और देखते हैं उस चीज को लेकर। परिवार के लोग डीएसपी प्रशांत कौशिक की तरक्की से काफी खुश हैं। उनकी बेटियों को अपने पिता की बहादुरी पर पूरा फख्र है और समाज में गर्व भी महसूस करती हैं।
प्रशांत कौशिक की बेटी होने के नाते मुझे बहुत कॉन्फिडेंट फील होता है, बहुत अच्छा फील होता है, और पापा जो काम करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्राउड फील होता है, और मैं बहुत थैंकफुल हूँ उनकी बेटी होने के नाते। काम के प्रति इनकी बहुत ही निष्ठा रहती है और ये अपने काम को लेकर बहुत ही सीरियस रहते हैं। इनको यूँ लगता है कि नहीं, मैं देश के लिए कुछ करना चाहता हूँ, और वो उसके लिए हमेशा तैयार रहते हैं। और मैं वाइफ होने के नाते जब काम पे जाते हैं तो मुझे उतना ही डर लगता है जितना कि एक जवान की वाइफ को लगना चाहिए, क्योंकि लड़ाई वगैरह भी हो सकती है, गोली चलने का वो रहता है, तो घबराहट तो सारी होती है, पर जब उसको काम को पूरा करके आते हैं तो मुझे उतनी खुशी मिलती है कि इन्होंने अपने देश के लिए कुछ काम किया। पिता की एक ऐसा रिश्ता है कि पुत्र को देख के खुश होता है, और नहीं है, माँ और पिता दो ही ऐसे रिश्ते हैं जिनको आंतरिक खुशी होती है, फिर ये काम निष्काम भाव से करते हैं, किसी कामना से नहीं मिलते, इसलिए भगवान की कामना स्वतः ही पूरी कर देते हैं। सब समय समय पर अलग अलग स्थानों पर अलग अलग तरह के पुरस्कार मिले हैं इनको, किसी स्टेशन पर कैसा है, किसी स्टेशन पर कैसा है। डीएसपी प्रशांत कौशिक को उनकी बहादुरी और सेवा भाव के लिए आज जी राजस्थान शाने राजस्थान के सम्मान से सम्मानित कर रहा है। राजस्थान पुलिस में ज्वाइनिंग के बाद में 24 साल के लंबे टेन्योर में बहुत से अवसर काम करने में मिले, बहुत से चुनौतीपूर्ण कार्य मिले। उस अवसर पर राजस्थान पुलिस की तरफ से हमारे उच्चाधिकारियों की तरफ से हमारे को सराहना मिली, प्रशंसा पत्र मिले, रिवार्ड भी मिले। इन्हीं कामों और इन्हीं सेवा कार्यों को जी मीडिया ग्रुप की ओर से पहचाना गया, सराहा गया और ये अवार्ड दिया जा रहा है। इसके लिए जी मीडिया ग्रुप का हृदय से आभारी है और बहुत बहुत धन्यवाद।